वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी। इस बार मैं टैटू ब्लीडिंग के बारे में वीडियो लेकर आया हूं कि जो टैटू बनता है तो उस टाइम ब्लीडिंग क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है कि जब हम टैटू बनाते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होना मामूली बात है, लेकिन अगर एक्सीड हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। क्योंकि जब आप टैटू बनाते हैं तो ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होना, थोड़ा सा पानी आना शरीर के अंदर से, ब्लड जो खून में से थोड़ा बहुत पानी आना, अगर से ब्लड निकलना मामूली बात है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत एक्सीड हो रहा है और उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है टैटू के अंदर, तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात है। क्योंकि इससे क्लाइंट बिगड़ता है और इससे क्लाइंट का जो है आपके ऊपर नजरिया जो है वो चेंज होता है कि कैसा टैटू आर्टिस्ट है, कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इनको काम करना नहीं आता। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में कि ब्लीडिंग का कारण क्या है, क्या कारण है जो टैटू बनाते समय ब्लीडिंग होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले जो ब्लीडिंग होने का कारण ये होता है कि जो बिगनर आर्टिस्ट है उनसे खासकर ये गलतियां होती हैं। ब्लीडिंग होना, स्वेलिंग होना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना, थोड़ा वो स्वेलिंग होना मामूली बात है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना ये थोड़ा खतरे वाली बात है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने हाथ पे कंट्रोल करना है। अगर आप ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और आपका जो टैटू है वो स्वेलिंग उसके अंदर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी तक जो आप जितने दिनों से टैटू बनाते आ रहे हो उस पर आपने हाथ सेट नहीं किया सही से, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बता रखे हैं कि आपको कैसे टैटू का प्रैक्टिस करना है। किसी भी ह्यूमन स्किन पे बनाने से पहले आपको प्रॉपर उसकी फ्रूट पे या स्किन पैड जो आता है, आर्टिफिशियल स्किन आती है, उसको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आप ह्यूमन स्किन पे बनाएं। सबसे पहले हो सके तो अपने ही आप बॉडी पे बना के देखें ताकि आपको पता चले कि आप जो नीडल है वो कितना डीप लेके जा रहे हैं। क्योंकि स्वेलिंग का जो मेन कारण होता है वो डीपनेस होती है और ब्लीडिंग का भी यही कारण होता है कि वो डीपनेस बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। जो नीडल का कंट्रोल है वो आपने पूरी तरह से करना है। जो नीडल है वो बॉडी के अंदर सिर्फ 1 mm जानी चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में कि जो नीडल है 1 mm से ज्यादा बॉडी के अंदर जानी ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, जब नीडल ज्यादा जाएगा तो ब्लीडिंग तो आनी ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, स्वेलिंग को कंट्रोल करना है, तो नीडल का जो डीप है वो बॉडी के अंदर 1 mm से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। और 1 mm से ज्यादा जा रहा है तो आप इसको और प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ को मशीन को और प्रैक्टिस कीजिए कि वो बॉडी के अंदर 1 mm से ज्यादा जाए ही नहीं। और आप इसको चला रहे हैं और मान लिया आपने नीडल बहुत ज्यादा बाहर निकाल रखी है और जब उसको आप चला रहे हैं और आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो सीधी सी बात है वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डीप जाएगी। जब बॉडी के अंदर डीप जाएगी और वो जो नीडल है वो बार बार चलती रहेगी उसके ऊपर, तो स्वेलिंग आना मामूली बात है और ब्लीडिंग आना मामूली बात है, ये हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक पहले वीडियो में आपको स्किन लेयर्स के बारे में बता रखा है कि जो स्किन लेयर्स है वो किस तरह की होती है, उस पर कैसे काम करना होता है। मैं एक बार आपको फिर भी एक छोटा सा डेमो दोबारा दे रहा हूँ। इसमें मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि मैंने इन तीनों लेयर्स आपको बता रखे हैं पहले भी कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर्स होती हैं। ये नीडल है, नीडल की डीप है जो स्किन के अंदर सिर्फ 1 mm ही जाना चाहिए। अगर आप 1 mm से ज्यादा नीडल की डीप जा रहे हैं बॉडी के अंदर तो ब्लीडिंग होना अनिवार्य है, मतलब होना ही होना है ब्लीडिंग, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग कभी कभी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा ही ब्लीडिंग हो रही है और स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो ये अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम में मैंने यही बता रखा है, अब डायग्राम को सही से देखिए। इसमें मैंने क्लियर बता रखा है कि आपको कौन से लेयर पे काम करना है। ये टैटू की, ये स्किन की फर्स्ट लेयर है, जो आप नीडल डिप करते हैं और स्किन में जाती है, उसके बाद ही सेकेंड लेयर पे, जो डर्मिस लेयर पे जाके वो टैटू का इंक उस पर ठहरता है, वो परफेक्ट लेयर होती है। और आप उसके नीचे जाते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर पे जाते हैं,
तो जो क्लाइंट है उसको पेन बहुत ज्यादा होगा, प्लस जो टैटू होता है वो उभर के आता है। उभर के इसलिए आता है कि जो इंक जो है बॉडी के अंदर चली जाती है बहुत ज्यादा, और वो जब वापस बाहर आता है तो स्वेलिंग तो होती ही होती है, प्लस उसके अंदर जब वो हीलिंग होता है, हीलिंग होने के बाद जो इंक होती है वो बॉडी के ऊपर बाहर से काफी एम्बॉस हो जाती है, दिखती है, मोटी होती है, बहुत थिक हो जाती है जो दिखती है, जो कि टैटू का लुक भी खराब करता है और छूने पे भी बड़ा अजीब सा लगता है। अभी जैसे मान लीजिए टैटू है मेरा बिल्कुल प्लेन है, छूने पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल बॉडी के साथ प्लेन है। ये वाला टैटू भी ऐसे ही है, बिल्कुल प्लेन है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं तो बॉडी का जो टैटू जो हील होएगा, जो हील होने के बाद जो है वो बहुत मोटी लेयर होएगी उसके अंदर, और आप जब उसको टच करेंगे तो फील होएगा कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। इसका यही कारण है कि जो बॉडी के अंदर जो मशीन है वो बहुत ज्यादा डीप जा रही है, उसकी नीडल है बहुत ज्यादा डीप जा रही है। नीडल को आपको पूरा कंट्रोल करना है, डीप नहीं जाना चाहिए। दूसरा, फीलिंग के टाइम अगर आप ज्यादा डीप जा रहे हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लाइनिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के, लेकिन फीलिंग में ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आपका मशीन पे और हाथ पे कंट्रोल नहीं है। मशीन पे हाथ पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट का जो है बॉडी जो है जो स्किन है वो डैमेज नहीं होगी, और फ्यूचर में अगर आपको अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए आपके काम का तो आपके क्लाइंट से ही आपको रेस्पॉन्स मिलना है। अगर आपने किसी क्लाइंट का बॉडी खराब कर दिया है, उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जब आप टैटू बना देते हैं उसके बाद जब टेपिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इंक आना और थोड़ा ब्लड आना नॉर्मल बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, पूरे हाथ पे पूरे रैप पे फैल जा रहा है, तो क्लाइंट को ये पता चलता है कि ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है। क्योंकि क्लाइंट आजकल लगभग नेट पे या अपने जान पहचान वालों जिन्होंने टैटू बना रखे होते हैं उनसे भी पूछ के आते हैं कि भाई कितनी ब्लीडिंग होती है, कितना दर्द होता है, क्या क्या होता है, कैसा महसूस होता है, और उन्होंने पहले बनवा रखा है, उनको उनके हिसाब से बहुत कम दर्द हुआ है, बहुत कम स्वेलिंग हुई है और ब्लीडिंग भी कम हुई है, और आपके पास आ गया और ब्लीडिंग ज्यादा स्वेलिंग ज्यादा हो रही है, तो क्लाइंट जो है वो बिगड़ जाएगा, ना खुद आएगा ना किसी और को रेफर करेगा कि उनके पास जाइए। इसलिए मशीन पे कंट्रोल कीजिए और सही से टैटू बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मशीन पे कंट्रोल अच्छा है, डीपनेस बिल्कुल आपकी सही है, 1 mm से ज्यादा नहीं है, और खासकर आप जब फीलिंग करते समय जो डीपनेस है बहुत कंट्रोल में होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर स्किन के ऊपर ही चलनी चाहिए मशीन, डीप तो जाना ही नहीं है, फीलिंग में तो खास कर नहीं जाना, क्योंकि फीलिंग के जो नीडल होती है वो बहुत ज्यादा उसमें फैलावट होती है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा डीप जाएंगे उसके अंदर तो उस क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसका जो शेडर का और जो एरिया होता है, जो शेडर नीडल होता है, जो फीलिंग नीडल होती है उसका एरिया ज्यादा होता है, और वो जब वो बहुत ज्यादा चोट करेगा बॉडी के ऊपर तो ब्लीडिंग आएगी ही आएगी, तो इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल जरूरी है। मशीन पे पूरा कंट्रोल कीजिए और फीलिंग के टाइम बहुत स्मूथ आपको चलना है, बहुत फास्ट नहीं हो, फास्ट फास्ट नहीं करना है आपको, बहुत आराम से फीलिंग की जाती है हमेशा, जब भी आप फीलिंग करेंगे बहुत आराम से फीलिंग करेंगे। अगर आप फास्ट फीलिंग कर रहे हैं और आपने स्पीड बहुत ज्यादा कर रखी है अपने डिवाइस की, अपने मशीन की बहुत ज्यादा अगर स्पीड कर रखी है, तो क्या होगा बॉडी पे बहुत ज्यादा टॉर्क मारेगा, बहुत ज्यादा फास्ट टॉर्क मारेगा, और आप फास्ट टॉर्क के हिसाब से मशीन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब आप मशीन को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, वो स्किन के ऊपर ज्यादा चोट करेगा जो स्किन को डैमेज कर सकता है, और जब डैमेज करेगा तो बाद में वो बहुत दिक्कत कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा कर सकता है और स्किन डैमेज भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको टैटू बनाने से पहले, किसी भी ह्यूमन स्किन पे अगर टैटू बना रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस अच्छी कर लेनी है। ये नहीं कि आपने 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, आपने कहा जी अब तो सही बन रहा है, हमने बॉडी पे बनाना है और हमने काम स्टार्ट कर देना, नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, आपने प्रैक्टिस करना है। कहीं भी आप बाहर अगर सीखने जाते हैं, अगर आपसे 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो यही चीज आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से काम करना है। आप कहीं भी अगर बाय चांस अगर कोई किन्होंने हमारे जो क्लाइंट होंगे उन्होंने सीखा होगा कहीं से बाहर से, कहीं कोर्स दे के पैसे देकर सीखा होगा, या जो सीखने के लिए सोच रहे हैं आप जाके पता करेंगे तो पता चलेगा कोर्स बहुत महंगे होते हैं टैटू के, तो
वो सिर्फ यही सिखाते हैं आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, वो पेशेंस रखना सिखाते हैं कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब भी आप वहां सीखने जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, काफी टाइम तक आपको ह्यूमन स्किन पे बनाने से पहले प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे हैं तो आपके काम में परफेक्शन आ ही नहीं सकता। टैटू का काम जो है वो उसमें परफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इसमें कामयाब हो सके। ये नहीं आपने दो चार बार प्रैक्टिस किया और बनाना स्टार्ट कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे आप टैटू आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। टैटू आर्टिस्ट आप तभी अच्छे बन सकते हैं, आपका नाम तभी अच्छा होगा जब आपका काम अच्छा होगा। काम अच्छा करने के लिए आपका अपने हाथ पे अपने वर्क पे कंट्रोल बहुत अच्छा जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें कुछ कमी लगे तो जरूर कमेंट में बताएं और आने वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी अपने कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।